हमारी YouTube वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बालाजी बाजीराव के जीवन की सारी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बालाजी बाजीराव, जिन्हें अक्सर नाना साहेब प्रथम के रूप में जाना जाता है, भारत में मराठा संघ के 8वें पेशवा थे। उन्हें 1740 में अपने शानदार पिता पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु पर पेशवा के रूप में नियुक्त किया गया था। छत्रपति मराठा सम्राट अपने कार्यालय के दौरान केवल एक व्यक्ति थे। उसी समय मराठा साम्राज्य एक संघ में बदलने लगा, जिसमें व्यक्तिगत प्रमुख जैसे कि होलकर, सिंधिया और नागपुर साम्राज्य के भोसले अधिक शक्तिशाली हो गए थे। बालाजी बाजीराव के कार्यालय के दौरान मराठा क्षेत्र अपने चरम पर पहुंच गया था। हालांकि इस विस्तार का एक बड़ा हिस्सा मराठा साम्राज्य के व्यक्तिगत प्रमुखों के नेतृत्व में था। बालाजी बाजीराव एक चतुर रणनीतिकार, एक चतुर राजनयिक और एक कुशल राजनेता थे। उन्होंने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के साथ मिलकर राज्य में नई विधायी और वित्तीय प्रणालियों की शुरुआत की। प्रारंभिक वर्ष और परिवार। बालाजी बाजीराव का जन्म 8 दिसंबर 1720 को पेशवा बाजीराव प्रथम के घर भट परिवार में हुआ था। अप्रैल 1740 में बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। उनके बाद छत्रपति शाहू ने अगस्त 1740 में राघोजी भाई भोसले जैसे अन्य प्रमुखों के विरोध के बावजूद 19 वर्षीय बालाजी को पेशवा के रूप में नियुक्त किया। बालाजी बाजीराव की दादी राधाबाई ने रास्ते परिवार की यात्रा के दौरान 6 साल की एक कुलीन लड़की गोपिका बाई से मुलाकात की। वह गोपिका बाई की रूढ़िवादी हिंदू परवरिश से प्रभावित थी, क्योंकि वह पुजारी धार्मिक मामलों और पुजारी ब्राह्मण परिवारों में पालन किए जाने वाले प्रचलित रीति रिवाजों में पारंगत थी। अपनी कम उम्र के बावजूद राधाबाई ने गोपिका बाई के विवाह का प्रस्ताव अपने पोते बालाजी बाजीराव को दिया, जो उस समय 10 वर्ष के थे। अतः दोनों ने 11 जनवरी 1730 को शादी कर ली। दंपत्ति के 3 बेटे थे, विश्वासराव जिनकी 1761 में पानीपत की लड़ाई में मृत्यु हो गई थी, माधवराव जो पेशवा के रूप में नाना साहेब के उत्तराधिकारी बने, और नारायण राव जो अपनी किशोरावस्था में माधवराव के उत्तराधिकारी बने। नाना साहेब के पास रघुनाथ राव नामक एक सक्षम भाई था, जिसकी पेशवा होने की महत्वाकांक्षा मराठा साम्राज्य के लिए विनाशकारी हो गई। राघोजी भोसले के साथ प्रतिद्वंदी। बालाजी बाजीराव के कार्यालय के शुरुआती वर्षों में राघोजी प्रथम भोसले ने दक्षिण और पूर्वी भारत में मराठा के प्रभाव का विस्तार करने में मदद की। हालांकि पेशवा के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं थे। वह सतारा लौट आए और पेशवा के रूप में बालाजी राव की नियुक्ति के खिलाफ असफल विरोध दर्ज कराया। इसके बाद वह दक्षिण भारत लौट आए, जहां उन्होंने मार्च 1741 में चंदा साहिब को हराया, इससे पहले कि उन्हें पौंडीचेरी से चंदा साहिब के फ्रांसी सहयोगियों द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। सतारा लौटने के बाद राघोजी बालाजी राव का विरोध करते रहे। उमाबाई द्वारा विद्रोह। उमाबाई दाभाड़े दाभाड़े परिवार की मातृसत्ता थी, जिनके सदस्यों ने सेनापति कमांडर इन चीफ की उपाधि धारण की और गुजरात में कई क्षेत्रों को नियंत्रित किया। उनके पति को मुगलों ने मार डाला था और उनके सबसे बड़े बेटे को बालाजी राव के पिता ने छत्रपति शाहू के खिलाफ विद्रोह के लिए मार डाला था। हालांकि शाहू ने दाभाड़े को माफ कर दिया था और उन्हें इस शर्त पर अपनी जागीर और खिताब बनाए रखने की अनुमति दी थी कि वे गुजरात से एकत्र किए गए राजस्व का आधा हिस्सा अपने खजाने में भेज देंगे।
उमाबाई के नाबालिग बेटे यशवंत राव को सेनापति बनाया गया, जबकि उन्होंने गुजरात के मराठा क्षेत्र में वास्तविक कार्यकारी शक्ति संभाली। दाभाड़े ने वास्तव में अभी कोई राजस्व साख्या नहीं किया, लेकिन शाहू एक दुखी मां के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। निजाम के खिलाफ अभियान 1751 में बालाजी बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम सलाबत जंग के क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसे पौंडीचेरी के फ्रांसी गवर्नर जनरल मार्किस डी बस्सी कैस्टेलनौ द्वारा समर्थित किया गया था। ताराबाई के विद्रोह और फ्रांसी प्रतिष्ठित दुश्मन सैनिकों के कारण मराठों को पीछे हटना पड़ा। 1752 में बालाजी राव ने निजाम के खिलाफ एक नया हमला शुरू किया। उन्होंने फ्रांसी का मुकाबला करने के लिए अंग्रेजों का समर्थन भी मांगा, लेकिन अंग्रेजों ने संघर्ष में शामिल होने से इनकार कर दिया। मराठा चाहते थे कि सलाबत जंग के भाई गाजीउद्दीन खान को निजाम के रूप में नियुक्त किया जाए, जैसे कि उन्होंने उन्हें अन्य लाभों के बीच 60 लाख रुपए का भुगतान करने का वादा किया था। हालांकि खान को उसकी सौतेली मां ने जहर देकर मार डाला था। अतः बालाजी राव और डी बस्सी ने एक शांति संधि का समापन किया। राघोजी भोसले भी इस शर्त पर शांति के लिए सहमत हुए कि निजाम उन्हें बराबर में कुछ जागीरें प्रदान करेंगे। राजपूतों के साथ संबंध। बालाजी के पिता बाजीराव ने भारत में एक हिंदू पातशाही हिंदू शासन स्थापित करने का लक्ष्य रखा और हिंदू राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। हालांकि मराठों ने बालाजी राव के कार्यालय के दौरान राजपूत शासकों को अलग कर दिया। 1743 में जब जयपुर के जयसिंह द्वितीय की मृत्यु हुई, तो उनके बेटों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। माधो को मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय और बूंदी के उम्मेद सिंह का समर्थन प्राप्त था। हालांकि मराठों ने शुरू में ईश्वरी का समर्थन किया, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने उन्हें अधिक पैसे की पेशकश की थी। बाद में जगत सिंह माधो के पक्ष में मल्हार राव होलकर को शामिल करने में सक्षम थे, जबकि जयप्पा राव सिंधिया ईश्वरी का समर्थन करते रहे। इस प्रकरण ने न केवल राजपूतों के साथ मराठा संबंधों को खराब कर दिया, बल्कि मराठों के बीच आंतरिक संघर्ष भी हुआ। उनकी मृत्यु। पानीपत में हार के परिणाम स्वरूप मराठों को भारी नुकसान हुआ और पेशवा बालाजी राव के लिए एक बड़ा झटका था। उन्हें 24 जनवरी 1761 को भिलसा में पानीपत की हार की खबर मिली, जबकि सुदृढ़ीकरण बल का नेतृत्व किया। कई महत्वपूर्ण जनरलों के अलावा उन्होंने पानीपत की लड़ाई में अपने बेटे विश्वास राव और चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ को खो दिया था। वह अवसाद में पड़ गए और 23 जून 1761 को उनकी मृत्यु हो गई और उनके छोटे बेटे माधवराव प्रथम ने उनका स्थान लिया। इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।